जेएंडके बैंक की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके अंदर अभी तक का जो अपडेट आया है, परवेज़ अहमद जो कि चेयरमैन है उन्होंने अब ये कहा है कि यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है, प्रदर्शन एजिटेशंस जब जम्मू की तरफ से की जाती है फिर ही आंखें खुलती हैं। लेकिन इसके अंदर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से रविंदर रैना द्वारा भी एक रिप्रेजेंटेशन भेजी गई गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को। रविंदर रैना को अप्रोच किया था जो एस्पायरेंट्स थे जेएंडके बैंक, जिन्होंने बैंक पीओ के एग्ज़ाम दिए थे और जो इस चीज़ के विक्टिम बने थे, जो 63 कट ऑफ जम्मू में गया और 40 कट ऑफ श्रीनगर में गया। आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन भी आई थी, क्या रिप्रेजेंटेशन थी और आपने क्या गवर्नर महोदय से बात की? सबसे पहले तो आप भी उधर ही थे जब सारे बच्चे रिजल्ट्स निकलने के तुरंत बाद मेरे घर में आए थे, मेरे ऑफिस बीजेपी ऑफिस में आए थे और उन्होंने पूरी डिटेल बच्चों ने ही मेरे को बताई थी। और जब बच्चों ने पूरा डिटेल बताई कि बैंक के अंदर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का पीओस का रिटर्न एग्जामिनेशन हुआ है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्होंने मेरिट बनाया, जबकि आपको ये पता होना चाहिए ये स्केल वन ऑफिसर की लिस्ट थी, प्रोबेशन ऑफिसर है स्केल वन। और ये केवल स्टेट लेवल के नहीं, ये नेशनल लेवल की उसमें एडजस्टमेंट है। जो जेके बैंक में बच्चे पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के नाते से जिनकी सिलेक्शन होनी है उनकी ड्यूटी चेन्नई में लग सकती है, मुंबई में लग सकती है, बेंगलोर लग सकते हैं, वो गुजरात में लग सकते हैं, दिल्ली लग सकते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ या जम्मू कश्मीर के दूर दराज के एरिए में लग सकते हैं। जब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर उनकी एडजस्टमेंट नहीं है, नेशनल लेवल की एडजस्टमेंट है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कट ऑफ कैसे आ गया? तो इसको लेके फिर मैंने माननीय गवर्नर महोदय साहब से बात की थी, आप भी उधर थे, आपके सामने मैंने गवर्नर साहब से पहले फ़ोन पर बात किया, फिर गवर्नर साहब ने बोला कि मेरे को इसकी पूरी डिटेल बना के भेजो। फिर उन्हीं बच्चों को लेके मैं बीजेपी ऑफिस आया और बीजेपी ऑफिस में उन सभी बच्चों की रिप्रेजेंटेशन को मैंने गवर्नर साहब को लिखा और अंतोगत्वा आज गवर्नर साहब ने जेके बैंक के चेयरमैन उनको बुलाया था और उनसे पूरी डिटेल ली और उसके तुरंत बाद उस निर्णय को पलट दिया। और जैसा हमारे बच्चे चाहते थे, पूरे स्टेट के बच्चे चाहते थे, केवल मैं ये कहूँ कि एक दो बच्चे नहीं, और इसमें से कोई भी बच्चा आए लेकिन ईमानदारी से आए ना, जस्टिस होना चाहिए ना। कोई अगर बारामूला का आता है, कोई रजौरी का आता है, कोई जम्मू का, कठुए का, उधमपुर का, डोडा का, रामबन का, उधमपुर का या लेह का, करगिल का, हमको खुशी है सभी हमारे बच्चे हैं, लेकिन तरीके से आना चाहिए, ईमानदारी से आना चाहिए, कोई उसमें गलत मैनिपुलेशन करके नहीं करना चाहिए। और ये एक साजिश थी जिसको गवर्नर साहब ने रद्द कर दिया। मैं गवर्नर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की बात जो हमने उन तक पहुँचाई थी उसको उन्होंने आगे एंडोर्स करते हुए उस पर एक्शन किया है। और अभी अभी ट्वीट एक आया है जेके बैंक की तरफ से कि कट ऑफ मार्क्स पूरा 40 नंबर्स तक लेके गए हैं, वरना जम्मू के बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 62 थे वो बाहर थे और कई कई एरिया ऐसे थे जहां के 40 थे तो वो अंदर थे। तो यूनिफॉर्मिटी हो गई है क्योंकि प्रोबेशनर ऑफिसर स्केल वन ऑफिसर है, ये डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट नहीं है। और जब एडवर्टीजमेंट हुई थी उसमें भी तो कहीं डिस्ट्रिक्ट कैडर अपॉइंटमेंट्स तो है ही नहीं है, कोई ये बताए ना कहीं लिखा है कि जम्मू में इतनी पोस्ट हैं, उधमपुर में इतनी पोस्ट हैं, कठुआ के लिए इतनी पोस्ट हैं, श्रीनगर के लिए, बारामूला के लिए, पुलवामा के लिए, कुपवाड़ा के लिए इतनी पोस्ट हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अचानक ही इन्होंने कहाँ से ये षड्यंत्र हुआ, कहाँ से ये तौर तरीके निकले, तो वो जेके बैंक के चेयरमैन उन्होंने भी इमीडिएटली इस बात का नोटिस लिया, गवर्नर साहब ने इंटरवीन किया और ये सारा सिलसिला अब ठीक हो गया। तो मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और इसलिए मुबारकबाद देता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होगी, ईमानदारी से कोई किसी का बच्चा लगे, सब बच्चे हमारे हैं, कोई लगेगा, लेकिन किसी बच्चे के दिल में ये गम नहीं रहना चाहिए कि मैं कंपटीशन में आगे था और मेरा नाम काट के पीछे कर दिया गया, ये इनजस्टिस होता है, ये नहीं होना चाहिए। बैंक के अंदर पहले भी कुछ 500 के करीब नियुक्तियां गलत हुई थी जिसके ऊपर गवर्नर साहब ने संज्ञान लिया था। और दूसरी चीज आरटीआई के ऊपर जो बात हुई थी कि आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए, जिसके लिए काफी सारे नेता सड़कों पर आ गए थे, बैंक के एम्प्लॉयज सड़कों पर आ गए थे कि आरटीआई में नहीं आने, क्या यही कारण है? और नहीं, मैं एक बात बीच में पहले ऐड करके आपके सवाल का जवाब दूंगा, तो ये जो ऑर्डर आया है इसके पीछे आपका भी तो रोल है। मैं रात को ट्वीट पढ़ रहा था, आपने तो जेके बैंक में अपना अकाउंट बंद कर दिया,
तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप अकाउंट खोल लेना, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है, ईमानदारी है। और जेके बैंक जो है हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने खोला था, और इसमें हमारे जनता का पैसा है, हमारा पैसा है। सबसे ज्यादा पैसा जेके बैंक में हमारे लोगों का है, जम्मू प्रोविंस, जो लखनपुर से लेकर रजौरी पूंछ तक, डोडा किश्तवाड़ से लेकर रामबन बनहाल गुल अरनास तक, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू, अखनूर, नशहरा, सुंदरबनी, ये तमाम एरिया के लोगों का पैसा वहां पे जमा है। 70% पैसा डिपॉजिट जम्मू के लोगों का है, और लोन जो लिए गए हैं वो अदर देन जम्मू है। और इसमें बहुत सारी बातें पहले जमाने में हुई हैं, बड़े घोटाले हैं जेके बैंक में, तगड़े तगड़े घोटाले किए हुए हैं। ये पब्लिक का पैसा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं ना, 200-200 करोड़, 400-400 करोड़, ऐसे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने 400-400 करोड़ जेके बैंक से निकाला और बाद में अपना अकाउंट एनपीए करा दिया। एनपीए होता है नॉन प्रोग्रेसिव अकाउंट, अर्थात जिस प्रोजेक्ट के लिए ये मैंने पैसा लिया था वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, मेरा लोन माफ कर दो, और वो लोन माफ कर दिया गया। 400-400 करोड़, ये गरीबों का पैसा। यहां पहले जमाने में लूट खसूट हुई जब कांग्रेस और एनसी की सरकारें थी उस वक्त, और मैंने असेंबली के अंदर जब ये मुद्दा उठाया, मैंने सवाल दिया, सवाल का जवाब नहीं देते कि जेके बैंक आरटीआई में नहीं आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में नहीं आता है। हमने कहा पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नेशनलाइज बैंक है, रविंदर जी, और एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी मॉनिटरिंग करता है, कैसे आप इंफॉर्मेशन नहीं दोगे हमको। लेकिन यहां यही तो 370 है जिसका हम रोना रोते हैं जी, यही 370 के कारण ये खराबियां हैं। आप पंजाब नेशनल बैंक, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ गुजरात, बैंक ऑफ तमिलनाडु, बैंक ऑफ कोचीन, किसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, इन सारे बैंक्स की आप डिटेल ले सकते हो, आरटीआई इंफॉर्मेशन। जेके बैंक की क्यों नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? यही धांधलियां हैं जो 370 की आड़ के अंदर यहां की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते। यही गड़बड़ है जिसका हम विरोध करते हैं, जिसकी हमको तकलीफ होती है। जब जो हकदार बच्चा होता है उसको उसका हक नहीं मिलेगा, और जो सब गुंडा एलिमेंट्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, वो गड़बड़ करते हैं। क्या 23 मई के बाद ये हक आप देने जा रहे हैं 370? और आपने सवाल पूछा था, अब जब हमारे नए गवर्नर साहब आए, सतपाल मलिक साहब, इन्होंने कहा हम इसको नेशनलाइज बैंक है, हम इसको ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी में लाएंगे, आरटीआई में लाएंगे। गवर्नर साहब ने पूरी कोशिश की, फिर भी एक ऐसा नेक्सस है जो इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट नहीं होने देता। हम चाहते हैं जनता के सामने सच्चाई आना चाहिए। जेके बैंक जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता की प्रॉपर्टी है, हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों की प्रॉपर्टी है, आम लोगों की प्रॉपर्टी है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, चाहे हमारे जम्मू का डोगरा है, कश्मीरी है, चाहे पहाड़ी है, गुजर है, चाहे लद्दाखी है, चाहे शिया है, करगिली है, हर आदमी का राइट है जेके बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। लेकिन ये नहीं करने देते, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑनरेबल गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो प्रोसेस उन्होंने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जेके बैंक में लाने के लिए कोशिश की थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और एक मेस और क्यास खत्म होना चाहिए। एनएचएम एम्प्लॉयज भी काफी बार आपको आके मिल चुके हैं, पीएचई डेली वेजर्स हैं, पीडीडी डेली वेजर्स हैं, क्या इनके बारे में भी कुछ गवर्नर साहब या आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई है? क्या इनका भी कुछ मसला हल हो सकता है? यहां तक एनएचएम के एम्प्लॉयज हैं, उनको लेके मैं स्वयं गवर्नर साहब के पास गया था, और माननीय गवर्नर साहब ने हमको ये आश्वासन दिया था, और गवर्नर साहब ने खुद फोन उठा के कंसर्न ऑफिसर्स को फोन किया था, और उन्होंने बार बार यकीन दिलाया है कि 23 मई जब कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के जो बच्चे हैं उनके जो मामलात हैं उनको हल करेंगे। हमारे गवर्नर साहब बहुत मेहनती आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत दर्द दिल रखने वाले एक हमारे जम्मू कश्मीर के एक गवर्नर साहब हैं। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं कम है, वो हमारे बच्चों का, हमारे लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं, और हर एक का ख्याल रखते हैं, और ईमानदारी से काम करते हैं। जो काम हमारे गवर्नर साहब ने पिछले लगभग एक साल से कम टाइम के अंदर किए हैं ना, पिछले 70 सालों में वो काम नहीं हुए।
इसलिए हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। आज एनएचएम के एम्प्लॉइज़ को भी मैं यकीन देता हूँ कि गवर्नर साहब ने हमें विश्वास दिलाया है उनका मामला हल होगा। पीएचई के मामले जो जो डेली वेजेस लगे हैं, आपको पता है ये किस गवर्नमेंट में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने 250 और 500 के ऊपर इनको कैसे लगाया था, ब्लैकमेल किया था। इनकी कोई लिस्ट नहीं थी, कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं थी, कोई इनका ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं था। हमारी सरकार ने इनको ऑनलाइन किया, हमारी सरकार ने इनको बायोमेट्रिक चलाई, और हम ही इनकी समस्या का भी समाधान करेंगे, हम भी इनके साथ जस्टिस करेंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से काम करने वाले ये लोग हैं। आज 13 मई है, 10 दिन शेष रह गए हैं, 9 दिन कह सकते हैं, 23 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। 370-35 ए की बात की, क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 370-35 ए को लेकर, क्या बड़ा डिसीजन 23 मई के बाद आ सकता है? और आज ही के दिन आप भी प्रधान बने थे स्टेट में, एक साल उसको भी पूरा हो गया, क्या एज ए स्टेट प्रधान 23 मई के बाद ऐसी कोई घोषणा हो सकती है? देखिए, जहाँ तक आपने 13 मई का जिक्र किया, आज ही के दिन मेरे को भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्टेट का स्टेट प्रेसिडेंट के नाते से मेरे को जिम्मेवारी दी। और पूरे एक साल आपने देखा होगा हमने बहुत मेहनत की, पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर पोलिंग बूथ से लेके शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, जिला से स्टेट, प्रदेश स्तर तक जितना मजबूती हो सकती थी हमने पार्टी को मजबूत किया। हमारे रहते हमारे इस कार्यकाल के दौरान में शहरी चुनाव हुए, अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन में जम्मू में 37 म्यूनिसिपल कमेटी की 33 सीट हैं, 3 काउंसिल्स हैं, उधमपुर, कठुआ, पुंछ और एक कॉरपोरेशन है। 37 में से 30 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 30 में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मेयर हैं। और यहां तक कश्मीर घाटी में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल खिलाया। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी के टिकट पर लड़े और वहां वोट पड़े, ऐसे हमारे 8 उम्मीदवार जीते। लाल चौक का जो उम्मीदवार है वजाहत साहब, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। और बहुत सारी सोपोर, शोपियां, देवसर, कुलगाम, पहलगाम, अश्मकाम, अनंतनाग, ये ऐसी बहुत सारी म्युनिसिपल कमेटीज़ हैं जहां चेयरमैन बीजेपी के हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं, जो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। इलेक्शन हमने लड़े और इस दौर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। करगिल हिल काउंसिल के चुनाव में पूरे दमखम के साथ हमने चुनाव लड़ा और पहली बार करगिल में भी बीजेपी का खाता खुला, हमारे वहां लोग जीते। लेह के अंदर हिल डेवलपमेंट काउंसिल भारतीय जनता पार्टी चला रही है, आज लेह में बीजेपी है। कश्मीर के अंदर बीजेपी के शहरों के अंदर म्युनिसिपल कमेटीज के प्रेसिडेंट, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हैं। जम्मू के अंदर तो पूरा टोटल बीजेपी है, आज हम कह सकते हैं तीनों खितों में भारतीय जनता पार्टी है। फिर इसी दौरान में पंचायतों के चुनाव हुए, उस दौर में चुनाव हुए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी बड़ी पार्टियों ने पंचायत के चुनावों का इलेक्शन बायकॉट कर दिया और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस लड़ी नहीं, सरेंडर कर गई। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने बायकॉट कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा। जम्मू रीजन में तो 90-90% पोल हुआ, कश्मीर घाटी में भी 70% मतदान हुआ और हमने कोशिश की, हमने गांव गांव के अंदर जाके सरपंच खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर के अंदर चुनाव लड़े, उन्होंने हिम्मत दिखाई। हमारे एक्टिव वर्कर्स ने उस मुश्किल दौर में तिरंगा झंडा थामा जब सब एक साइड हो गए थे। और आपने देखा कि बीजेपी के ज्यादातर सरपंच जम्मू रीजन के, 70% से ऊपर सरपंच जो जीत के आए हैं जम्मू रीजन के, वो बीजेपी के हैं, बीजेपी से एफिलिएटेड हैं। कश्मीर घाटी में भी हमारे सरपंच जीते हैं। और उसके बाद हमारी एक बड़ी परीक्षा लोकसभा के चुनावों को लेकर थी, और जिस सफलतापूर्वक लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए, जम्मू के अंदर रिकॉर्ड मतदान हुआ, लेह के अंदर लद्दाख सीट को लेकर रिकॉर्ड मतदान हुआ है, कश्मीर घाटी के अंदर भी
आज चर्चा हो रही है क्या अनंतनाग की सीट बीजेपी जीत रही है। पहली बार चर्चा है कि बीजेपी 4 सीटें जीत रही है। आप देखें, मैंने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख तीनों खित्तों में कंपेन की। जम्मू के अंदर जम्मू की 2 सीटें हैं, जम्मू पुंछ और उधमपुर कठुआ डोडा, इन दोनों सीटों पर मैंने 150 के करीब पॉलिटिकल रैलियां की, दूर दराज के पहाड़ों के एरियाज में, शहरों में, गांव में, मैदान में, हर जगह रैली की, रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, दरहाल, बुद्धल, जम्मू, अखनूर, खोड़, जोड़ियां, परगवाल, आरएसपुरा, बिशना, अरनिया, हमारे बड़ी ब्राह्मणा, विजयपुर, सांबा, हीरानगर, कठुआ, बनी, बिलावर, बसोली, रामनगर, चनैनी, उधमपुर, रियासी, महोर, चसाना, सुंगड़ी, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रामबन, बनहाल, गूल, अरनास, गुलाबगढ़, पोगल, परिस्तान, दच्छन, मड़वा, वाड़वन, हमारा मचेल, मचेल के जो इलाके हैं, गुलाबगढ़, अठोली, इन तमाम एरियाज के अंदर, भद्रवा, इन तमाम दूर दराज के एरिए में मैंने 150 के करीब पॉलिटिकल रैलीज की। कश्मीर घाटी के अंदर रैलीज की, ले के अंदर तमाम दूर दराज के एरिया, चाहे वो दुर्भुक का एरिया, चांगथंग का एरिया, नोबरा का, तुरतुक का, बटालिक का, करगिल का, द्रास का, जंस्कार का, ले प्रॉपर का एरिया हो, न्योमा, ल्योमा, हेनले, फुकचे, धैमचौक ये एरिया हो, खलसी का एरिया हो, शम्मा का एरिया हो, करगिल हो, करगिल के बाद आर्यन वैलीज हो, मुलबीक हो, बोध खरबू हो, इन तमाम एरियाज के अंदर, लामा यूरू हो, दाहनु हो, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर पॉलिटिकल रैलीज, अगर पूरे स्टेट की आप रैली करेंगे तो 200 से ऊपर पॉलिटिकल रैलीज हमने की। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 4 पुराने एक्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं, उमर अब्दुल्ला बैठे हैं, महबूबा मुफ्ती बैठे हैं और गुलाम नबी आजाद, ये 4 चीफ मिनिस्टर हैं, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 1 कांग्रेस के, 1 PDP के। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इन 4 लोगों ने जम्मू में कोई रैली की? जम्मू कैपिटल है, राजधानी है हमारी, क्या यहां गुलाम नबी आजाद ने रैली की? क्या फारूक अब्दुल्ला आए, उमर अब्दुल्ला आए, क्या महबूबा मुफ्ती आई, क्या कठुआ, उधमपुर, डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, यहां फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती कोई आया इनका? इसी तरीके से इनका कोई बंदा लद्दाख तक नहीं गया। कश्मीर में 2-3 सीटों पर ये घूमते रहे, ये एक कश्मीर खित्ते में भी एक छोटे से एरिया तक महदूद रह गए हैं। आप खुद सोचो, जो जम्मू कश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हों और यहां रैलीज नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनको पता है लोगों में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो गई है, ये जम्मू आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जम्मू इसलिए नहीं आए, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी खत्म है। और हमने रैलीज की, और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जम्मू पुंछ सीट तकरीबन 4 से 5 लाख की लीड से जीतेंगे, और भारी मतों से 1 लाख से ऊपर हम उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट जीतेंगे, लद्दाख सीट हम जीतेंगे, और कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, शाहनवाज हुसैन वहां आए, मुख्तार अब्बास, राम माधव जी आए, अविनाश खन्ना जी की रैलीज हुई, मैंने खुद वहां जाके मीटिंग्स की, पार्टी ने वहां जाके बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज की, हमने पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव लड़ा, और इसके परिणाम आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। इसलिए 1 साल के अंदर हमने पूरी कोशिश की, जो आपने मेरे को पूछा था कि आज आपको 1 साल पूरा हो गया, इस 1 साल में पोलिंग बूथ से लेकर स्टेट लेवल तक भारतीय जनता पार्टी को हमने सबने मिलकर एक टीम वर्क के नाते से, जो मेरे पुराने अध्यक्ष हैं सारे, सत शर्मा जी, जुगल किशोर जी, शमशेर सिंह मन्हास जी, अशोक खजूरिया जी, सबने मिलकर सहयोग किया और हम सबने एक टीम के नाते से काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे मजबूत पॉलिटिकल पार्टी है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और इसका परिणाम आप देखेंगे जब आने वाले दिनों में यहां असेंबली के चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में, ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर महीने में असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पार्टी का होगा। असेंबली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आएंगी और इतिहास बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। J&K बैंक में जो है धांधलियां हो रही हैं, बार बार इस तरह की चीजें आती हैं, बच्चों को प्रोटेस्ट करने बाहर आना पड़ता है, एजिटेशन करनी पड़ती है। 9 दिन के बाद नए प्रधानमंत्री का चयन होगा 23 मई को। क्या भारतीय जनता पार्टी 35A और 370 को तोड़ने जा रही है? 9 दिन के बाद जब वोटिंग होगी तो नए प्रधानमंत्री का चयन होगा। आप गेस कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। फिर से नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार बनेगी और पहले से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत के आएगी। 350 का आंकड़ा NDA पार करेगी। पिछले बार बीजेपी की 370 और 35 और जा रहे हैं। उसके बाद मैं इसलिए कहता हूं ना, क्यों 370 तोड़ना जरूरी है, क्यों 35 जाना जरूरी है? ये जेके बैंक आज पूरे देश के अंदर सारे बैंक ट्रांसपेरेंस हैं, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, जेके बैंक में क्यों नहीं है? ये 370 है। जम्मू कश्मीर में राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? ये 370 के कारण है। वन नेशन, ये जो टोल टैक्स लग रहे हैं, आम जनता दुखी हो रही है, क्यों है? 370 के कारण है। ये जो जम्मू पूरे देश भर के अंदर ST के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्यों नहीं है? 370 के कारण है। आप तोड़ने जा रहे हैं। पूरे देश में महिलाओं को समान अधिकार है, जम्मू कश्मीर में महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। उमर अब्दुल्ला बाहर की किसी स्टेट की लड़की से शादी करके उनको यहां लाएंगे, यासीन मलिक और मीरवाइज मौलवी फारूक अमेरिका में शादी करके अपनी बीवियों को यहां लाएंगे, उनको पूरा हक होगा। उमर अब्दुल्ला बाहर की लड़की को शादी करके यहां लाएंगे तो उसको पूरा हक है। उमर अब्दुल्ला की बहन की शादी यहां से राजस्थान हो जाती है, उसको कोई अधिकार नहीं, उसके बच्चों के अधिकार खत्म हो जाते हैं। क्या ये इनजस्टिस नहीं है? क्यों इनजस्टिस है? आप तोड़ने जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, हम चाहते हैं सब हर इंसान के साथ जस्टिस होना चाहिए। ये जो लोगों ने हवा बना के रखा है ना, 370 जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, ये बाहर के लोग आएंगे, कश्मीरियत बर्बाद हो जाएगी, सब झूठ है जनाब। पंजाब में 370 नहीं है, तक क्या पंजाबियों की आइडेंटिटी खत्म हो गई क्या? केरल में 370 नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार में 370 35 नहीं है। क्या वहां के लोगों की आइडेंटिटी खत्म हो गई क्या? क्या वहां के स्टेट कैडर में जाके जम्मू कश्मीर के बच्चे नौकरी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते जनाब। हमारी अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर है, अपनी हेरिटेज है, उसको कोई नहीं छेड़ सकता। हमारा जम्मू के अंदर डोगरा आइडेंटिटी है, लद्दाख के अंदर उनकी लद्दाखी बुद्धिस्ट और शियाओं की आइडेंटिटी है, कश्मीर के अंदर कश्मीरियों की आइडेंटिटी है, कहीं उत्तर नॉर्थ में पहाड़ियों की आइडेंटिटी है, गुजर बकरवालों की अपनी आइडेंटिटी है। कोई उसके साथ छेड़खानी कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। ये हमारी कल्चरल हेरिडिटीज होती हैं, इसलिए लोगों को डराया जाता है। इस 370 की आड़ में 100 पॉलिटिकल फैमिलीज ने फायदा उठाया, 100 लोगों ने। जम्मू कश्मीर की 2 करोड़ जनता में से सिर्फ 100 लोगों को, 100 परिवारों को, 100 फैमिलीज को 370 का फायदा है, जिन्होंने 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर को लूट लूट के खाया है। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो बड़े बड़े मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, यहां के नेता लूट खुसूट करो, जेके बैंक को लूटो, लोग गरीबों का पैसा खाओ, गरीबों को तड़पाओ, गरीबों के साथ अत्याचार, नाइंसाफियां करो, आपके खिलाफ केस नहीं होगा क्योंकि कानून नहीं है। अब जाके गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर अकाउंटेबिलिटी कमीशन और ये सारे एंटी करप्शन लॉस जम्मू कश्मीर में लागू किए हैं। क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार ने, क्या मुफ्ती मोहम्मद सैयद की सरकार ने, क्या गुलाम नबी आजाद की सरकार ने, क्या फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने और उससे पहले की सरकारों ने, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर यहां एंटी करप्शन कानून लाए? क्यों नहीं ये जो रिश्वतखोरी है इसको बंद करने की कोशिश की? क्यों इन लोगों के दुबई, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े होटल्स हैं, दुबई के इनके 7-स्टार होटल्स हैं, किसके होटल्स हैं? इन्हीं मिनिस्टरों के हैं। यहां करप्शन के एक्ट नहीं है जनाब, इन्होंने गरीब लोगों को लूटा है। जिस दिन जम्मू रीजन तो पूरा जानता है, जिस दिन कश्मीर के लोगों को भी पता चलेगा ना कि उनके साथ कितनी ज़ातियां की हैं, कितने जुल्म किए हैं 370 की आड़ में,
इन एनसी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, पीडीपी वालों ने, कश्मीर का बच्चा बच्चा उठ के बोलेगा इस 370 को समुंदर में जाके दफन कर दो उसको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे रविंदर राणा जी, समुंदर में दफन करने वाले हैं 370 और 35 को 23 मई के बाद। देखते हैं, आप लोग देखते रहें जेके मीडिया।